सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी सिंगर के गाने पर जो पोस्टर लगा हुआ होता है, उस पोस्टर पर जो खेसारी लाल या पवन सिंह या अवधेश प्रेमी का, जैसे कि आप लोग बहुत सारे पोस्टर देखेंगे कि उनका फ़ोटो लगा हुआ होता है, तो अगर आप लोग उनके पोस्टर पर अगर आप लोग का मन है कि मैं खुद का फ़ोटो लगाऊं वहां पे सेट करूं, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे उनके पोस्टर पर उनके फ़ोटो को हटाकर आप लोग कैसे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, ताकि ये जो ट्रिक्स है ना, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है कि कैसे किसी भी सिंगर के थंबनेल पर अपना फ़ोटो लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को डिटेल से मिल जाएगा। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, देख सकते हैं, सबसे पहले जो भी आप लोगों को पोस्टर पर या कोई भी न्यू गाना आया है, अगर आप लोग अपना उस पर डायरेक्ट फोटो लगाना चाहते हैं तत्काल या लेटेस्ट में, तो उसके लिए इस तरह से थंबनेल को सबसे पहले गूगल में जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन की जरूरत होता है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो इस एप्लीकेशन का कुछ लोगो कहा जाए तो आइकन इस तरह से दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो आप लोग जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका नाम है पिक्सआर्ट। उसके बाद आप लोगों को पिंक प्लस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों को ऊपर में दिखेगा ऑल फोटो, तो ऑल फोटो पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से उस फोटो को आप लोगों को लेना है जो फ़ोटो पर आप लोग अपना यहाँ पे लगाना चाहते हैं फ़ोटो। तो चलिए, मैं यहाँ पे डाउनलोड में रखा हूँ तो डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से एक न्यू जो आया हुआ है मैं उसको ले लेता हूँ। तो देखिए, ये रहा मेरा पोस्टर, और इस पोस्टर पर मैं लगाऊंगा एक दूसरा कोई इमेज, और यहाँ पे प्रैक्टिकली करके मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दूसरा यहाँ पे इमेज लगाऊंगा। तो इस तरह से फ़ोटो को सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लगा देंगे तो फुहार लगने लगेगा। तो आप लोगों को इसको सबसे पहले करना होगा क्लीन। तो क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है टूल्स का, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद रिमूव पर आना है। तो गाइस, रिमूव पर जैसे आएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कलर करना है। तो कलर करने के लिए सिर्फ देख सकते हैं नीचे में दो ऑप्शन दिया गया है, कलर का एक मिटाने का। तो कलर पर आप लोगों को टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आकर कलर कर देना है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को चंद सेकेंडों के अंदर करके दिखाता हूँ, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। तो जो गाइस वीडियो पसंद है तो जरूर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग को ऑल बटन देखेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ऑल कर लीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये क्लीन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चंद सेकंडों के अंदर। और उसके बाद क्या प्रोसेस है आप लोग को यहाँ पे देख कर देना है, नहीं तो आप लोग मिस कर जाएंगे ट्रिक्स। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को नेट की थोड़ा ज़रूरत होती है, नेट को आप लोग को ऑन करके रखना है, तभी ये प्रोसेस आप लोगों को पूरा होगा। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग फाइनली देख सकते हैं क्लीन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइनिंग की तरह आप लोग को एक ब्लर की कलर हो चुका है, लेकिन इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, फिर जाना होगा आप लोग को टिक पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग को मिलेगा ये ड्रॉ का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर रहा है, उसके बाद गाइस एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर आप लोगों को जाना है, जाने के बाद एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इस तरह से आप लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पे मिटाना है, फिर यहाँ पे जाना है, उसके बाद आप लोगों को इस पर टिक करना है, और यहाँ से कलर ले लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दबा कर रखना है आप लोगों को प्रेस करके, और जो भी कलर आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए, मैं ये कलर ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग टिक करके कलर कर देना है। तो गाइज, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कलर शुरू कर देता हूँ। तो इतना हो गया, फिर आप लोग को जाना है इस वाले ऑप्शन पर, फिर लेयर पर जाकर यहाँ पे एक लेयर एम्प्टी ले लेना है, और आप लोगों को फिर दबा कर रखना है,
और ये कलर ले लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाइक जाना है और यहाँ से इस तरह से कलर कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे आता है मेन बात फ़ोटो लगाने का। तो फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा ऐड फोटो, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो मैं रखा हूँ तो यहाँ से ले लेता हूँ। डाउनलोड, उसके बाद ये रहा फोटो और यहाँ पे डन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कट करना है तो यहाँ पे क्रॉपिंग पर क्लिक कर देना है। क्रॉपिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से इतना कट कर देना है आप लोगों को और ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे लंबी प्रोसेस यहाँ पे कर के यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ पे दोनों और फोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप लोग को जाना है ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड में जाकर फ़ोटो ले लेना है। जहाँ पे भी आप लोग फ़ोटो रखे हैं उस फोटो को आप लोग को ले लेना है अपने हिसाब से। तो चलिए मैं ये वाले फ़ोटो को लेता हूँ, क्रॉपिंग करता हूँ और यहाँ से ये फ़ोटो को कट करता हूँ और ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे इसको लगा देना है इसको, और आप लोग को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग को फोटो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग को एडजस्ट अच्छी तरह से कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और फिर क्लिक सेव और सेव पर क्लिक करके वहाँ पे डन कर देना है और यहाँ पे आपका फोटो जो है सेव हो चुका है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ़ोटो आप लोग का सेव हुआ था किस तरह का वो दिखेगा और पहले का फ़ोटो जो था वो किस तरह से आप लोग को दिखेगा। दोनों मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये रहा आप लोग का बनाने वाला फ़ोटो जो आप लोग को कोई भी पहचान नहीं सकता है कि यहाँ पे एक राइज करके और फ़ोटो को लगाया गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को मेन फ़ोटो रहा डाउनलोडिंग में ये। तो इस तरह से किसी भी आप लोग फ़ोटो पर अपना फ़ोटो को लगा सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगर मन में किसी प्रकार का सवाल है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए KP शांति साइनिंग।